ये सौम्या ने क्या कहते हैं पापा को बर्थडे में गिफ्ट करी है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताओ आप टोपी के साथ अच्छे लग रहे हैं बिना टोपी के अच्छे लग रहे हैं। मम्मी तू बता कैसे अच्छे लग रहे हैं। मम्मी घर कैसे भी अच्छे नहीं लग रहे। राजस्थानी रूमाली पकड़ी है। एक तो ये कपड़ा ऐसा है ना इतने मस्त दिखाना कि मैं पापा नहीं लगूं देवेन भाई। ये देखो गाइस आ गए हैं देवेन भाई अपने हीरो बन के। अरे भयंकर ये तो बड़ा खतरनाक लग रहा था इसमें। हेलो गाइस तो क्या हालचाल हो रहे हैं सबके। तो गाइस आज भी निकल रहे हैं हम मार्केट को और आज जा रहे हैं हम पापा के कपड़े बनाने। सब कपड़े बन गए मम्मी के मेरे सौम्या के बस लास्ट टाइम बचे हैं पापा। पापा के जा रहे हैं कपड़े बनाने। ये है मम्मी ये देखो। हेलो गाइस आज मम्मी कहते हैं घर का पहरा करेगी। रोज पापा करते हैं रोज मैं पहरा तो करती हूं। क्या और दिनों जब टूर में जाते हैं पापा तो बहुत कम जाते हैं मार्केट आज ही जा रहे हैं। ये देखो कैसे लग रहे हैं पापा स्मार्ट। अपनी घड़ी दिखाओ नई घड़ी पापा की। ये देखो ने मेरी होने वाले ये सौम्या ने क्या कहते हैं पापा को बर्थडे में गिफ्ट करी है। इसमें बड़े गोरे आ रहे हो यार तुम आज इसमें। ये वंश है वंश भी चल रहा है हमारे साथ। और ठीक है अम्मी भाई आते हैं ठीक है। बहू ने दी है बेटे ने कुछ नहीं दिया है। बेटा घुमाने लेते जा रहा है कपड़े ले आने। सो गाइस इसमें तूने ये ताला क्यों लगाया वंश। ये है तो सेंटर लॉक है यार। ये आ जाओ चलो फिर चलो। क्या क्या लेना है आप तुम्हें सामान क्या क्या लेना है। हर दिन के अलग अलग जितना मम्मी लाई उतना ही लाओगे पहन के। गाइस लोग कमेंट में बताएंगे गाइस पापा ऐसे अच्छे लग रहे हैं या आप टोपी पहन के अच्छे लग रहे हैं बताओ। अब पापा को ऐसे टोपी पहन के अच्छे लग रहे हैं या बिना टोपी के अच्छे लग रहे हैं कमेंट में बताना ठीक है। ये बताना गाइस जरूर बता देना। तभी पापा अपना लोग वैसे रहेंगे। अगर आपको टोपी में अच्छे लग रहे हैं तो पापा बाजार बाजार सब टोपी पहन के जाया करेंगे। अगर बिना टोपी के अच्छे लग रहे हैं तो बिना टोपी के जाया करेंगे ठीक है। जैसा आप रखोगे वैसे रहूंगा फिर मैं। ठीक हो गया कपड़े पहनूंगा ठीक है। टोपी का बताना इसमें पापा टोपी पहने या ना टोपी पहने। वैसे हमारी पहाड़ी की पहाड़ी टोपी होती है ये टोपी के बिना टोपी के और टोपी पहन के। ये देखो अब आप कमेंट बॉक्स में बताओ आप टोपी के साथ अच्छे लग रहे हैं बिना टोपी के अच्छे लग रहे हैं। मम्मी तू बता कैसे अच्छे लग रहे हैं। मम्मी घर कैसे भी अच्छे नहीं लग रहे। देखो कैसे अच्छे नहीं लग रहे हैं गाइस ये। भाई मैं तो नेचुरल हूं नेचुरल। ए ब्यूटी पार्लर नेचुरल हूं नेचुरल ये समझ लेना गाइस। जाती नहीं हूं मैं औरतों का पता ही है तुम्हें। तो चलो चलो कोई बात नहीं। तो गाइस हम पापा को ले जाने वाले हैं हल्द्वानी के सबसे बड़े शोरूम में। चलो आपको भी ले चलते हैं और दिखाते हैं क्या क्या करते हैं। ये देखो और मेरे को भी यार दाढ़ी वाड़ी कटाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है तो अब मैं कल कटाऊंगा दाढ़ी वाड़ी। शादी वादी भी है दोस्त की तो कल दाढ़ी वाड़ी बाल बाल सफर कराते हैं फाइनली निकलते हैं। चलो भाई और ये महादेव का आशीर्वाद ले लो। हर हर महादेव। आओ आओ अंश भाई बैठ जाओ। आओ बाबा बैठो। तो गाइस निकल गए हैं हम और गाइस पापा कह रहे हैं कह रखा है 50,000 सब्सक्राइबर में थाल लाएंगे और आप लोग 50,000 सब्सक्राइबर करने दे रहे हो यार बताओ। बड़े गंदे लोग हो यार गाइस। बड़े मुश्किल से माने हैं पापा। कह रहे थे एक छोटा सा प्लॉट बेच के एक थाल ले आएंगे। शाबाश। क्यों रे तो गाइस तो नहीं लाऊंगा यार हैं बिगन वैसे तो नहीं लाऊंगा मैं जब तक 50,000 नहीं। हां तो गाइस कर दो ना जल्दी 100,000 हो यार इंस्टाग्राम में आप लोग। हां आगे नहीं जा रहे हो 17,000 तो होने वाले हमारे 23,000 और बचे हैं ना 33,000 और के आसपास है तो कर दो जल्दी से। थार जाएगी थार में दिखेंगे और पार्टी कराएंगे सबको। क्यों वंश बिल्कुल वंश को भी सिखाएंगे हम थार चलाना फिर बिल्कुल घूमेंगे यार जल्दी से कर दो 50,000 सब्सक्राइबर है गाइस। कहेंगे थक गया हूँ यार मैं। ये देखो महादेव भी कह रहे हैं अब तो कर दो करके। चलो गाइस फिलहाल कपड़े लेने चलते हैं। सो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं हम जहां से पापा के लिए हमें शॉपिंग करनी है तो चलो यहाँ पे कर दिए अपने अपने गाड़ी पार्क। क्या हाल है भैया। ये है देखो पापा वंश। ये है देखो तीनों शोरूम ठंडी सड़क मिल जाएंगे आपको मॉन्ट कार्लो रेमंड और लिबर्टी। आप सब कुछ वन स्टॉप शॉप है। इरिस का आउटलेट है जिसमें आपको रेमंड मान्यवर और बहुत सारे चीज़ें मिल जाएंगे। बगल में लिबर्टी का भी है और मॉन्ट कार्लो पर जो चलते हैं पापा के लिए क्या क्या पापा का पसंद आता है शादी में देखते हैं। आओ चलो। सो गाइस पहुँच चुके हैं हम इरिस के आउटलेट में और यहाँ देखो सब कुछ है। मैंने भी अपने लिए साले कपड़े छाटे हुए थे यहीं से शेरवानी वगैरह पहनी थी। ये देखो हाँ पापा देखना स्टार्ट हो गए हैं कपड़े। ये देखो यहाँ बैठा है वन से सब लेंगे। रुक जाओ जल्दीबाजी मत करो सब पहन के ट्राई करो एक करके। वन से जी लेना है कुछ नहीं मेरा तो हो गया। यहाँ देखो दूल्हे की शेरवानी वगैरह लिखी हुई है और यहाँ जो जिसको रेडीमेड नहीं लेना है जिसको फिट करवाना है कपड़े सिलवाना है स्टिच करवाना है उसके लिए यहाँ है।
हेलो सर। हाँ शेरवानी भी है यहाँ, ये सब दूल्हे वाला सेशन है। तुम हैं, तुम दूल्हे के छोटे भाई हो। ये वाली पगड़ी कैसी लग रही है? स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले आपा कर रहे हैं मेहंदी का, और उसके बाद एक एक करके सब ट्राई करेंगे और दिखाएंगे आपको। और हल्दी का कर रहे हैं पहले ना, पहले हल्दी का कर रहे हैं ट्राई, उसके बाद करेंगे दूसरी चीज होगा। और यहाँ दूल्हे राजा की पगड़ी वगैरह रखी हुई है, सब कुछ वन स्टॉप शॉप है। और यहाँ स्टिच वगैरह होता है जो सामान, अगर आपको रेडीमेड कोई पसंद नहीं आ रहा है तो स्टिच वगैरह भी यहाँ से हो जाएगा। बैग वगैरह बढ़िया आए हैं यार, और टाइस वगैरह, टाई का पूरा अलग सेक्शन है पूरे यहाँ, टाई बेल्ट, और ये भी सारे स्टिच होने वाला कपड़ा है। सो ये देखो गाइस, पापा का हल्दी का कुर्ता, खतरनाक लग रहा है, तुम सब में छोटे भाई लग रहे हो। और जूती, जूती राजा महाराजा वाली होगी, तो गाइस बताना कमेंट में कैसे लग रहे हैं एकदम बिल्कुल। चल के आओ, वॉक करके आओ, बढ़िया खतरनाक। कैसा लग रहा तुम्हें शीशे में देखो, यहाँ शीशे में देखो ना, अपने को शीशे में देखो, अपने को कैसा लग रहे हो यहाँ, यहाँ शीशे में देखो, यहाँ ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं गले। बहुत ही स्मार्ट लग रहा है, तो लगता रहे। हाँ हाँ करो, डन करो इसको, तो ले जाऊंगा मैं कि सब लेना है। ये हल्दी के लिए हो गया, मेहंदी के लिए देखोगे, बारात के लिए देखोगे। लूंगा 50,000 की, जिसे माने बना रखे हैं 50,000 के, मैं 50 के बनाऊंगा। शोरूम मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत बढ़िया शोरूम। अभी और लोग आ सकते हैं यहाँ, बहुत बढ़िया कपड़े। अभी कपड़े और तो ट्राई करो। अरे भयंकर, ये तो बड़े खतरनाक लग रहे हो तुम, इसमें बहुत ही बहुत मस्त लग रहा है, पूरा तुम्हारे बनाया लग रहा है, खतरनाक। देखो आप लग रहे हैं पूरे देवेन भाई, मस्त एकदम मस्त लग रहा है, बढ़िया। गाइस बताना कैसा लग रहा हूं। बहुत मस्त लग रहे हो बिल्कुल एकदम बिल्कुल, ये डन है पूरा, डन एकदम। आओ एक बिस्कुट भी ट्राई करो, कैसा? एक बिस्कुट पहनो इसके बाहर से, अगर अच्छा बिस्कुट आता है तो इसकी है ये। अरे अब तो और बढ़ गई सुंदरता तुम्हारी, ये देखो भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े बना रहे हैं आपको आज। आओ सी जगह पे आओ, एक फोटो भी खींचेंगे। हाँ सो गाइस, अभी यहाँ एक कस्टमर है, इनसे पूछते हैं कि इनको कैसा लगे यहाँ के कपड़े। हेलो सर। हेलो, क्या नाम आपका? गुड नेम? नवीन तिवारी। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने जो भी कपड़े बनाए यहीं से बनाए हैं ना अभी आपने? अच्छा, तो ये वैसे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मैं भी आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको यहाँ का फैब्रिक वगैरह कैसा लगा सब कुछ? बहुत ही गुड मटेरियल है फैब्रिक का, इसका बहुत ही बढ़िया मटेरियल है, अच्छा है। हाँ लुकिंग है, और काफी डिस्काउंट में अभी चल भी रहा है इसमें ना ये। अच्छा प्यारा फैब्रिक है इसका। हाँ हाँ हाँ, तो मतलब सेटिस्फाई हुआ पूरा? और तो आप दोबारा आएंगे यहाँ शॉपिंग करने फिर से? नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे यहाँ, और अपने दोस्तों लोग को भी देंगे, प्रेफर करेंगे यहाँ से बनाओ ना। ओके बिल्कुल देंगे सर। हाँ मैंने भी बनाया यहाँ से, बहुत अच्छे लगे मुझे भी। थैंक यू सर, थैंक यू, और लोगों को भेजिएगा। सो गाइस यहाँ थे कस्टमर, ये यहीं से शॉपिंग करते हैं, तो पूछा मैंने इनसे कैसा फैब्रिक है क्या है करके, तो इन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू दिया है। तो आप भी चाहें तो यहाँ जा सकते हैं, बाकी पापा के लिए भी ले रहे हैं यहाँ से, देखते हैं क्या क्या ले जाते हैं। पापा गाइस एक के बाद एक कपड़े चेंज कर रहे हैं, मम्मी मारी गई हैं घर में संगीत के लिए। हाँ ये संगीत के लिए मम्मी मारी गई हैं, इतने कपड़े क्यों ले जा रहे हो? यही क्या शोरूम पहली बार, अच्छा शोरूम मिल गया, 50,000 से कम नहीं लूंगा। और ऐसे मम्मी ने भी अपने लिए बहुत कर ली शॉपिंग। ये देखो गाइस, आप तो बिल्कुल आज तक नहीं बताया तुमने शोरूम में। हाँ नहीं, पहले से हम तुम्हारे सस्ते कपड़े देते थे ना। यहाँ देखो ये देखो गाइस, पापा को तो हमने मजाक करी दूल्हे का छोटा भाई बनाने के, सच में दूल्हे का छोटा भाई बना दिया पापा को, कोई कहेगा ही नहीं तो मेरे पापा को छोटा भाई है। सही लग रहा ना, मस्त। सो गाइस अब हो गया है पापा का फाइनल लुक तैयार बारात के दिन का, खतरनाक। इसमें तो पूरे लौंडे लग रहे हो तुम, लेकिन जूते खोल देना है, याले जूते पहन के मत आना। जूते खोल देना आप इसमें।
ये देखो गाइस, कैसे लग रहे हो? ठीक लग रहा हूँ यार, मैं सोच रहा हूँ इतना टॉप का भी मन बना मेरे को। हाँ, फिर शादी में लोग आएंगे, तेरे पापा कहाँ हैं कहेंगे वो। सही तो है, छोटा भाई है कहेंगे मेरे। आओ इधर का वाले शीशे में आओ, खतरनाक। चलो ये देखो गाइस, आ गए हैं देवेन भाई अपने हीरो बन के। तो गाइस बताना आपा कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल एकदम हीरो। सो गाइस, हल्दी, मेहंदी, संगीत और बारात के लिए, पापा के लिए सब कुछ हो चुका है। अब जो पापा रिसेप्शन में पहनेंगे उसके लिए आपके लिए कोट पैंट का कपड़ा देख रहे हैं, वो दिखाता हूँ आपको। पापा चेंज करने गए हैं, उसको चेंज करके आपके लिए कोट पैंट का कपड़ा देखेंगे। और वंशवाय हमारे साथ हैं, बोर हो रहा है बेचारा, अभी करेंगे वंश की पार्टी। इसके बाद देखेंगे आपके लिए जूते और कुछ जैकेट वैकेट पहनने के लिए, वो भी अगल बगल ही मिल जाएगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे वन स्टॉप शॉप है, सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगा। आयरिस पे बगल में मोंटे कार्लो है और इसके बगल में लिबर्टी है। मोंटे कार्लो से जैकेट वगैरह ले लेंगे और लिबर्टी से ले लेंगे हम यहाँ पे शूज़ वगैरह। मैंने भी वहीं से लिए थे, पापा को भी वहीं से दिखा देंगे पसंद आएंगे तो। फिलहाल ये देखो शोरूम चेकआउट करो। सो गाइस और कस्टमर से मिलाते हैं आपको। हेलो भैया। हेलो भैया, कैसे? गुड नेम आपका? मेरा अक्षय नाम है। अक्षय, तो शॉपिंग हो गई पूरी बढ़िया करके? बढ़िया। तो कैसा लगा यहाँ शॉपिंग करके? बढ़िया लगा। बढ़िया कपड़े दे रहे हैं? बढ़िया। अगली बार फिर आओगे? चार गोल लेके आओगे? और पहले भी आए थे? फर्स्ट टाइम कर रहे हो? फर्स्ट टाइम आके, मतलब लगा पहले भी आपने कहीं और से बनाए होंगे और यहाँ से बनाए, कोई फर्क लगा? अलग लगा भैया। बढ़िया लगा ना, फैब्रिक वैब्रिक सब बढ़िया? बढ़िया। चलो बढ़िया बढ़िया। और मेरा भी चैनल है, सब्सक्राइब कर देना भीम निकलटिया ब्लॉग्स करके, ठीक है? और चार दोस्तों को फिर से भेजना यहाँ शॉपिंग के लिए। ओके ओके, ये और आ गए। हेलो भैया। हेलो, आपका गुड नेम? लोकेश चौधरी। अच्छा, तो कैसा लग रहा है फिर? कोट तो आपका बड़ा बहुत बढ़िया लग रहा है ब्लैक में, एक ब्लैक शर्ट भी डाल देना और अच्छा लगेगा इसके अंदर। तो कैसा लगा फिर आपको शॉपिंग करके यहाँ से? अच्छा लगा मेरे को, यहाँ पर बढ़िया लगा, सब टाइम में दिया फिर। हाँ, और क्या कहते हैं, फिटिंग भी बहुत अच्छी करा की और रेट भी जनरल, रेट वेट सब ऑल ओवर अच्छा लगा ना। ओके भैया, थैंक यू। वैसे मैंने भी सब यहीं से लिया है अपना। अच्छा, बढ़िया बढ़िया, थैंक यू। तो अब दिखाऊंगा पापा के लिए कपड़े, दिखा दो। सो गाइस, आयरिस में आपको सब कुछ मिल जाएगा, वन स्टॉप शॉप है। तो पापा को दिखा दो आप रिसेप्शन के लिए, फैब्रिक दिखा दो। हाँ, सिलवाने के लिए ना, थोड़ा जो बढ़िया सा इनको चूज करवा दो। बढ़िया दिखाना इनको, से मैच करे जो, ठीक है? आप देख रहे हैं पापा के लिए रिसेप्शन के लिए पार्टी में, कि पापा ने कहा जो रिसेप्शन में पहनूंगा उसको सिलवाऊंगा मैं अपने हिसाब से। तो पापा फैब्रिक चूज़ करते हैं, फिर उसके बाद पापा के लेंगे बगल से लिबर्टी से शूज़। चलो, टाई पहनोगे क्या? टाई भी, एक टाई भी रख देना हमारे लिए। इतने मस्त दिखाना कि मैं पापा नहीं रहूं, देवेन भाई रहूं। पापा को यंग लगना है, यंग लगना है आपको, 25 साल कम कर देना है। कलर बहुत सुंदर है, क्वालिटी A1 क्वालिटी है, जो मैं आपको दिखा। ये रेमंड का कपड़ा है? ये रेमंड का लग्जरी, एक लग्जरी कैटेगरी आती है रेमंड की। हाँ, ये लग्जरी कलर कैटेगरी में दिखा। अच्छा, और कलर इन पे बहुत सुंदर सूट करेगा। ओके, स्टिचिंग वगैरह सब यही करवा देते होगे ना? सब हो जाएगी। ओके, छाटो आप, जल्दी जल्दी फटाके छाटो फिर, जल्दी जल्दी। बहुत रनिंग कलर है, या बॉटल ग्रीन, थोड़े ब्लैकिश वो है ना इसमें। हाँ, थोड़ा हल्का ब्लैकिश, मतलब ब्लैक और ग्रीन का थोड़ा टोन है, मिक्स है, बहुत सुंदर लगा। क्रीम शेड के साथ, व्हाइट शेड के साथ बहुत प्यारा लगेगा। कैसा लग रहा? और दिखा दो आपको, एक आध पीस और दिखाओ। और गाइस, यहाँ पे कुर्ते की भी, जैसे आपको रेडीमेड कुर्ते पसंद नहीं आ रहे ना, तो आप यहाँ से छाट सकते हो। ब्लैक शर्ट डाल ली, ये आया तुम्हारे टाइप का कलर, इसको करवा दो। हाँ, तीन थ्री पीस बनेगा, ठीक है? इसमें ठीक है, और टाई भी रखवा देना, टाई भी, टाई की मैचिंग, शर्ट की मैचिंग में शर्ट भी दिखा देता हूँ। हाँ, शर्ट भी दिखा दो। और देखो भाई, जैसे कुर्ता पजामा रेडीमेड पसंद नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ सिलवा भी सकते हैं, कुर्ता पजामा कपड़ा भी मिल जाएगा यहाँ पे, कुछ भी अगर वैसे पसंद नहीं आ रहा है तो। नहीं नहीं, कुर्ता पजामा जैसे अभी तुमने रेडीमेड सिनसनाई पहने, अगर तुम्हें ऐसे उसमें से कुछ पसंद नहीं आया, तुम्हें कह रहे हो ना मुझे इस टाइप का सिलवाना है, तो यहाँ कुर्ता कपड़ा देख के भी सिलवा सकते हो, मतलब सारे ऑप्शन मिल जाएंगे तुम्हें यहाँ। अब आ गए हैं शर्ट का कपड़ा, प्रॉपरली ब्लैक, बहुत सुंदर लगता
लग जाएगा इसके अंदर इसके साथ तो। बहुत रॉयल लुक आएगा आपका पूरे शादी में ना, और कपड़ा सूट का फॉल इतना बढ़िया फॉल गिरेगा इसका, काफी बढ़िया कपड़ा है। तो गाइस बताओ कैसा लग रहा है? ये देखिए बहुत सुंदर मैच है, सही है, ब्लैक अच्छा लगेगा इसके साथ, ब्लैक जाएगा इसके साथ, सही करेगा ना, मैं सही कर रहा, क्रीम कलर के साथ ना ब्लैक सही लगेगा, ब्लैक ही करवा देना भैया फिर, ब्लैक करवा देना और टाई भी, हाँ ब्लैक ही करवा दो, टाई भी ब्लैक ही सही लगेगी, या ट्राई ब्राउन में मजा आ गया। सर तो मेरा ये देखो भैया, गाइस भैया ने पूरा ही कॉम्बिनेशन बना दिया कोट का और उसका, प्यारा कॉम्बिनेशन, बहुत सुंदर लगेगा, तुम्हें देखेंगे सब शादी में, हमें तो कोई देखेगा ही नहीं। कर दो भैया से डन करो, हाँ जल्दी जल्दी से डन करो, और टाइम भी हो गया, अब आपके जूते भी देखने हैं, हाँ मेजरमेंट ले लो। सो गाइस पापा के कपड़े वपड़े तो सब फाइनल हो गए, और अब ले देते हैं अपन नाप, यहाँ पे जो भी पापा कोट पैंट अपना सिलवा रहे हैं रिसेप्शन के लिए उसकी नाप ले रहे हैं। बढ़िया भैया फिटिंग का कर देना है एकदम, ज़्यादा लूज ना हो ना, ठीक है, उस हिसाब से, और पैंट भी लेंथ इतनी रखना, ठीक है, जितनी इतनी है पैंट की लेंथ है, सही है, शोल्डर वोल्डर बिल्कुल एकदम परफेक्ट फिट करना। सो गाइस यहाँ से तो हो गई हमारे पापा की सारी शॉपिंग, अब बगल में लिबर्टी है, और वहाँ से देखते हैं आपके लिए जूते भी, जूते भी तो चाहिए क्यों, ओके भैया थैंक यू, सारा सामान है बिल्कुल, फिटिंग विटिंग करवा देना, तो फिर ले जाते हैं, ठीक है, बगल लिबर्टी देखते हैं, चलो आओ, थैंक यू भैया। चलिए गाइस बगल में ही है यहाँ पर लिबर्टी, और यहीं से पापा के लिए जूते वूते दिख जाएंगे बढ़िया से, ये देखो ये जस्ट इसके बगल में ही आ रहे शोरूम के बगल में यहाँ पे। सो गाइस आ गए हैं लिबर्टी में, यहाँ सारे शूज़ वगैरह रखे हुए हैं, बहुत सारे हैं, ये देखो लड़कियों का भी मिल जाएगा आइटम, अगर लड़कियों का करना है तो, मम्मी के लिए भी ले जाओगे या कुछ औरतों के भी रखे हैं यहाँ? बहुत हैं बहुत हैं। तो भैया पापा को दिखा दो बढ़िया बढ़िया जूते, ठीक है, आओ क्या हाल है भैया, बढ़िया, ये देखो गाइस, सो गाइस ये देख रहे हैं पापा के लिए जूते, हम रिसेप्शन पे इनको ट्राई मारते हैं, मारो पहनो, सब कर लो फटाफट, आज आ रहा हूँ कल से नहीं आऊँगा बाजार, फिर रोज रोज लेके तो सब आज ही देख लो, चप्पल वगैरह भी है, कौन से वाले, ये वाले खड़े होकर दिखाओ, खड़े होकर दिखाओ खड़े होकर, थोड़ा उधर उधर से उधर पीछे को जाओ, अब दिखाओ, कम्फर्टेबल है, सही है भैया, स्पोर्ट्स में दिखा दो कुछ, एक आध पैटर्न ना स्पोर्ट्स शूज़ में, स्पोर्ट्स में दिखा दो कुछ, और गाइस यहाँ देखो बच्चों के भी हैं, बच्चों को भी मिल जाएंगे, गर्ल्स के लिए भी हैं बैग वगैरह, बैग वगैरह देखना चाहो तो, गाइस बच्चों का सेक्शन में है, बच्चों के मिल जाएंगे कपड़े यहाँ पे जूते, और अब पापा कर रहे हैं स्पोर्ट्स शूज़ ट्राई, ये देखो और कुछ कैसा है, कंफर्टेबल हो रहा पैर में, पैर में तो कंफर्टेबल, टाइट तो नहीं है ना, सही है ना, एक अलग ट्राई करो, ये अलग ट्राई करो, तो गाइस बताना कौन से अच्छे लग रहे हैं आप अकेले, ये वाले या ये वाले, तो गाइस देखो अपन इतने साइज जो ट्राई कर दिए, एक दो तीन, कमेंट में बताना पापा के पैर में कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं लिबर्टी में, सब मिल जाएगा, लड़कों का, बच्चों का, औरतों का, बैग वैग सब मिल जा रहा है, वन स्टॉप शॉप। तो गाइस जूते वूते पापा ने फाइनल कर लिए हैं, अब थोड़ा हमें थोड़ा जैकेट वगैरह लेनी है वो लेते हैं, और बाकी सॉक्स वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पे, सॉक्स वगैरह लेने हैं तो सॉक्स भी हैं सारे, ये देखिए, तो अब कपड़े भी हो गए शादी के लिए, जूते भी हो गए, अब जो नॉर्मल घर में जैकेट स्वेटर वगैरह पहनने के लिए चाहिए होते हैं, बगल मोंटे कार्लो से लेंगे, चलो अब अपने जूते पहन रहे हैं, अब जैकेट वगैरह लेनी है ना, जैकेट स्वेटर का बगल माउंट कार्लो से देख लेते हैं, ठीक है, तो गाइस अब चलते हैं माउंट कार्लो में, जो कि ये आयरिस शोरूम के बगल में ही है, है पूरा दिन लग गया कहाँ कपड़े ढूंढने, तो जल्दी जल्दी करो भाई, खाली जैकेट और स्वेटर तो देखनी है, आओ यहाँ बगल में मिल जाएंगे, देखो यहाँ भी काफ़ी कस्टमर आ रखे हैं, माउंट कार्लो में चलते हैं अंदर को, ये देखो अब यहाँ चलते तीनों शोरूम इकट्ठे, देखो माउंट कार्लो, आयरिस का, मान्यवर रेमंड का, और बगल में ऑल लिबर्टी, तो फिलहाल चलते हैं अंदर अब इसके। सो गाइस अब आ गए हैं बगल में माउंट कार्लो में, पापा को जैकेट और स्वेटर भी चाहिए, क्योंकि दिसंबर में शादी है तो रात को ठंडा भी लग जाएगा,
इसलिए यहाँ एक जैकेट चेक करेंगे और स्वेटर चेक करेंगे। थोड़े बढ़िया दिखाओ जो जमे इनको, काली वाली मत दिखाओ, बढ़िया सी एकदम बिल्कुल इस टाइप में कलर में या ब्लू टाइप में, हाँ इस टाइप में दिखाओ आप, अगर मेरे फेस कलर मत दिखाओ भाई। यहाँ लड़कियों के लिए भी हैं कोट वगैरह, अगर गर्ल्स आना चाहिए तो गर्ल्स या वुमेन औरतें सब मिल जाएगा। यहाँ देखो ये लड़कियों का सेक्शन है, वो मर्दों का सेक्शन था, ये औरतों का सेक्शन है ये वाला, स्वेटर्स वगैरह तो यहाँ सभी। सो गाइस ये है जापा की जैकेट, कलर कैसा लग रहा है बताना, बढ़िया लग रहा, तुम्हें कैसा लग रही है, अच्छी लग रही है, इसे कर लो फिर वो देख लो क्या कहते हैं स्वेटर, ठीक है। और ये पापा के लिए स्वेटर बढ़िया सी, ये देखो ये ट्राई करो। सो गाइस पापा ने तो जैकेट भी ले ली, स्वेटर भी ले ली, और वैसे तू भी कुछ लेगा तू भी देख ले, तूने ले लेना पहले सारे, रखवा दो आप इसको भी रखवा दो, इसको कल भेजा जाते वक्त लेंगे, अभी ये रखा दो सेक्स स्वेटर जाओ, हाँ जब उनसे दिया स्वेटर दिया तो उसको ये रखवा दो करके। चलो भी चलो आप पूरी दुकान खरीद लोगे क्या, घर चलो जल्दी, मैं ही रहता हूँ चलो यार चलो चलो भैया पैक कर दो ठीक है जो जो है। सो गाइस अब निकल रहे हैं हम, पापा की शॉपिंग वॉपिंग हो गई और वंशु के लिए ब्लेजर लेना है, और थक गए यार थक गए एक ही दिन पापा ने सारी कर ली शॉपिंग अपनी, और बाकी वंशु कुछ खिलाते हैं भैया, वंशु की पार्टी कराते हैं, वंशु भाई आते हैं हमारे साथ सूट के लिए। चलो भाई और तेरे ब्लेजर कहाँ से लेना है, वो सैमसंग से। और गाइस अगर आपको भी शादी के लिए या कुछ भी जूते चप्पल या बच्चों के बड़े कुछ भी कपड़े लेने हैं तो यहाँ आके ले सकते हो। पापा कैसा लगा आपको, बहुत बढ़िया लगा ना, देवेन भाई यहीं से लेते हैं कपड़े देवेन भाई यहीं से लेते हैं कपड़े। तो गाइस अगर आप चाहो तो आप भी यहाँ आ सकते हैं, दूल्हे दूल्हे के पापा के, दूल्हे के भाई के, दूल्हे के चाचा के, सब मिल जाएंगे आपको एक ही दुकान में, सब कुछ मिल जाएगा। बगल में लिबर्टी है, वहाँ आपको जूते चप्पल जो भी चाहिए आपको, दूल्हे के सूट में पहनने वाले जूते और जो शेरवानी में जूती पहनी जाती है वो सब मिल जाएगा। और बगल में अगर माउंट कार्लो में जो नॉर्मल जो डेली यूज के कपड़े होते हैं, जैकेट स्वेटर जीन्स शर्ट वो टी शर्ट वगैरह वो सब मिल जाएगी। तो जाओ गाइस जरूर आप भी ट्राई करो, यहाँ बहुत अच्छे कपड़े मिलेंगे, एक बार जरूर ट्राई करना, कपड़े की क्वालिटी आपको काफी अच्छी मिलेगी। तो फिलहाल चलते हैं अभी कुछ खाते हैं और वंशु के जैकेट वो भी उठाते हैं। सो गाइस अभी आ गए हैं हम कुछ खाने, ये देखो आ गए हमारे मोमो वेज मोमो, पापा यहाँ बैठे हुए हैं, मैं तो नहीं खाता भैया मोमो, ये देखो खा लो एक पीस तो ट्राई करो, एक तो ट्राई करो, खाओ एक खाओ लो, प्लेट पकड़ लो गरम हो रहा होगा, और इसके बाद हमारा थप्पा भी आने वाला है, पकड़ लो प्लेट पकड़ लो अभी तो कह रहा हूँ, ये थप्पा भी आ गया हमारा, और जल्दी से खाते हैं और निकलते हैं घर को, एक खा रहा हूँ तो एक ही जगह और पापा ने वो भी लिया है, क्या क्या लिया हुआ तुमने इसमें, गुड़ भट्टी नहीं है, गजक गजक मम्मी के लिए गजक लेके आए हैं पापा, और जल्दी से खाते हैं और निकलते हैं, गजक भी तो बोलते हैं उसे, गजक की दुकान से तो ली है। चलो भाई सो गाइस मोमो भी खा दिया, थप्पा भी खा दिया, अब वंश खा रहा है फ्राइड राइस, ये देखो वंश की डाइट है तगड़ी एकदम बिल्कुल तगड़ी डाइट है वंश की, मैं तो नहीं खा रहा हूँ गाइस, मैंने फ्राइड राइस ना सॉरी मैंने थप्पा और मोमो खा लिया, वंश खाएगा फ्राइड राइस भी खाएगा, वंश ने भी सेम खा रखा है, वंश की डाइट हमसे अच्छी है भाई, देख रहे हो बच्चों को भूख ज़्यादा लगती है ना। चलो वंश का फ्राइड राइस बन रहा है, वो खाता है फिर निकलते हैं जल्दी से। सो गाइस देखो ये मुखानी चौराहे पे आज कितना लंबा जाम लगा है, पूरे आधे किलोमीटर पहले खड़े हैं मुखानी चौराहे से, पक्का रेड लाइट लगी होगी ना तब जाम लग रखा है, बहुत जाम लग रखा है आज भयंकर बिल्कुल।